दो, तीन। हाँ तो भाई राम राम भाई सभी दोस्तों को। तो आज है मेरा वेट गेन चैलेंज का 25वां दिन, ठीक है। तो मेरे साथ सुल्तान भाई खड़े हैं और मैं आज घर पे वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है ना आज मैंने कुछ डाइट नहीं ली, एक केला खा के आया हूँ बस। पता क्यों? क्योंकि मेरा खाना पच नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं ना जो टोकटा करता हूँ ना वो पी नहीं रहा है क्योंकि गला कट गया। कितनी बार बताऊँ तुमको, ये अब जो सही होगा मतलब कल से पीऊँगा मैं, अब तो कल से डाइट भी लूँगा हैवी। तो पता नहीं क्या यार, जब भी उसे पीता हूँ ना तभी डाइट हैवी ले पाता हूँ, वरना पचता ही नहीं है खाना। भाई जब अब्बा की देवी साई के घर के नीचे खड़े हैं हम, देवी साई आए तो हम पार्क जाएं, पर इन्होंने तो सुबह सुबह उठ के टट्टी नहीं करी। अरे टट्टी करते तो भाई हम इनको ले जाते अब तक। तो ये गए भाई अभी अपने ऑफिस में बैठे हैं वो अपने, तो देखते हैं कितनी देर में आएंगे, हम कितनी देर में जाएंगे, ठीक है। तो जय बब्बा की। तो अभी हम पार्क आ चुके हैं, ठीक है, और पार्क में हम करेंगे सपट्टे टंड और बस 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 यही करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वैसे भी पैरों में दर्द हो रहा है आज भी, और फिर कैलोरी ज़्यादा ले नहीं पा रहा मैं, तो वेट गेन की जगह लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है ना बेटा। हिंदी बोला करो, हिंदी में एक्सरसाइज को डाइट जरूरी होती है जो हमारे पास है। गरीब है हम, गरीब हम, गरीब नहीं दिखाते हैं, गरीब है। चल दो तीन चार पांच छह सात आठ, उठ के देख ले खड़े खड़े, वाह कटर होनी चाहिए खाली। तो मेरे दोस्त अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, और लग तो रहा है यार कुछ असर हो रहा है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, अब तो एफसी बन रहा है, ठीक है, अब तो तगड़ी बॉडी बनेगी। और अभी तो पता है मैंने 11:30 बज गए हैं और मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह का एक केला खाया बस, बाकी का अभी मैं जूस बनाऊंगा अपने लिए क्योंकि मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरा गला कट गया है, मैं वो पी नहीं पा रहा हूँ जो वो गर्म पानी करके नमक डाल के और वो नींबू निचोड़ के और काली मिर्च डाल के जो पीता हूँ ना वो पी नहीं पा रहा है, चक्कर मेरे को भूख नहीं लग रही है। और भूख लगती भी है तो मैं खा लूंगा ना कुछ उल्टा सीधा खा लूंगा हैवी सा, तो पचेगा नहीं, तो इस चक्कर में गर्मी के चक्कर में तो इस चक्कर में मैं खा नहीं पा रहा, बाकी का मैं अभी बनाऊंगा अपने लिए जूस। और ये है आज की फ्रिज, बॉडी बढ़ा के रंगे हम तुम्हारी भी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये है मेरी पहली मील, ठीक है, ये है बादाम शेक, ठीक है। बनाना शेक इसलिए नहीं बना रहा मैं क्योंकि गला खराब है और जुकाम भी तेज है, तो इस चक्कर में बना नहीं रहा, बाकी का टेस्ट किया और कल मैंने पिया नहीं था क्योंकि भूख भूख नहीं लग रही ना इस चक्कर में, लेकिन फिर भी हम खाएंगे, नहीं लग रही फिर भी खाएंगे, ठूसेंगे भैया जय बब्बा की, बॉडी हम बढ़ा के रंगे, ठीक है। दोस्तों अभी मैंने जूस पी लिया है और अब मैं खा रहा हूँ सेवई, ठीक है, ये दूध वाली सेवई है। और आज की ईद है तो ये हमारी गली में जो हमारे मतलब बड़ों मतलब जो भाई लोग हैं मतलब क्या बोलूँ यार बाबा लगते हैं, तो वो वहाँ से बगल से आई है, मतलब ईद है ना आज तो ईद ही है ये, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं हमारे बगल में हमारे मतलब बाबा रहते हैं, बाबा लगते हैं, तो जो भाईचारा वाला सिस्टम है ना वो है हमारे यहाँ पे भाई, तो ईद ही आई है तो मैं ईद ही खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई है नहीं तो मैं ही खाऊँगा, और मुझे तो अच्छी लगती है वैसे भी, और बाकी का भूख लग रही है तो खाओ पियो मस्त करो मौज रहो मतलब मौज लो, ठीक है ना, जय बब्बा की। दोस्तों ये अभी मेरी दूसरी मील है, टाइम देखना, यार पता नहीं क्या हो गया, इच्छा नहीं कर रही कुछ खाने पीने की यार, बाकी मैं दही से रोटी खा रहा हूँ, ठीक है ना, दही में अच्छा नहीं लग रहा यार, पूछनी पड़ेगी बस मेट्रो जगह, बुद्धि खराब हो चुकी है मेरी, खा खा के मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ना फास्ट फूड की जरूरत है, खा लूँ मैं नहीं, गलत बात नहीं, बॉडी बढ़ाएंगे सही वाले वेट से, ठीक है, फास्ट फूड नहीं, बॉडी बढ़ा के रहेंगे हम खुश हो यार खाली। दोस्तों अभी मेरे को लग रही है भूख, तो मैं ले रहा हूँ अपनी तीसरी डाइट, ठीक है, 4 बज चुके हैं, 4 बजे मैं अपनी तीसरी डाइट ले रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ अपने लिए मसाला ओट्स, ठीक है। मसाला ओट्स के लिए सबसे पहले चाहिए हमें ये एक टमाटर, एक प्याज और एक ये हरी मिर्च, ठीक है, अभी इसको कट कर लेंगे हम, ये काट लिया टमाटर प्याज और मिर्च, ठीक है, अब लेंगे
अब लेंगे तेल और तेल को डालेंगे इस कढ़ाई में, ठीक है। तो गैस अभी ये मिर्च प्याज वगैरह ये डाल देंगे पहले, लेकिन प्याज डालने क्योंकि ये ऐसे करके उतरता है, लेकिन मैं लड़की वगैरह डरता रही हूँ, थोड़ी और तो डरता रही हूँ, ठीक है। तो पहले प्याज डाल दो, फिर मिर्च टमाटर साथ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन डालना तभी है जब तेल गर्म हो जाए, क्योंकि वरना फिर तेल की ना हीट आने लगती है। और बाकी का इसको वो कर लेंगे मिक्स करके, इसको भून लेंगे प्याज वगैरह को, और इसमें डाल देंगे मिर्च, नमक और थोड़ी सी दो चार दाने अजीना मोटो के, इससे स्वाद आ जाए बस, ये डालना है। और बाकी का फिर इसके बाद पानी डाल के ओट्स डाल देंगे, मैं दिखा दूँगा बना के, और बहुत ही हेल्दी चीज़ बनती है ये, ठीक है ना। तो ये हल्के बन पाएंगे, उसमें तुम नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मैं तो कम ही खाता हूँ तो मैं कम ही डालता हूँ, भाई तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि एक चम्मच ही डालो और मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। चाय बब्बा की इसको ब्राउन करेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक टेस्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। मतलब इसको मतलब ना चटनी बनानी है प्याज की, जब चटनी तुम्हें लगता है कि चटनी बन गई है प्याज की, फिर उसमें पानी डालो और ओट्स डाल दो, बन के तैयार 5 मिनट। तो दोस्तों ये अभी ब्राउन हो चुकी है ठीक से, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप ब्राउन हो चुकी है ये। और अब इसमें डालेंगे पानी और उसके ऊपर से डालेंगे ओट्स, ठीक है। ये लेंगे पानी, पहले डालेंगे सब पानी, ठीक है, बस देख के पानी डालना है, कितना ओट्स डालना है उस हिसाब से पानी डालना है। अब इसमें डाल दो ओट्स, ठीक है, ये हो गया ओट्स। अगर पानी कम पड़े तो बाद में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ इस कलर दिखाई दे रहा है, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर अब क्या करना है अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ढक के रख दो, 5 मिनट बन के रेडी हो जाएगा, बस ढक के मत रखना, चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हम पियेंगे छाछ, और छाछ से मिलती है तरी, और हमारा गला हो रहा है पहले से खराब तो और खराब हो जाए, लेकिन बॉडी बढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, वेट गेन नहीं छोड़ेंगे, वेट गेन करके मानेंगे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरी है फाइनल मील, ठीक है, इसमें ले रहा हूँ रोटी और काशी फल की सब्जी, और बस आज के लिए इतना ही, और अभी मैं खाना खा लूँ, उसके बाद थोड़ी देर हम पखनोली करेंगे, ठीक है। तो जय बाबा की दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय बाबा की।